जी प्लीज कैन यू गिव मी अगेन अगेन जार एंड द एग्जांपल ऑफ जार एंड मजरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी जार एंड मजरूर की कोई एग्जांपल बताइएगा दोबारा। अलल मकतबी, सिर्फ अलल मकतबी, ठीक है, और फिल बैती, हाँ फिल अलल बैत, सरीरी, अल सरीरी, फिल बैती, ठीक है, इलल इलल मदरसती जी, या इलल मस्जिदी और इलल मस्जिदी, बिल्कुल इलल बिल्कुल मस्जिदी। गुड माशाल्लाह। अच्छा इसके अंदर व्हाट इज मजरूर हियर, मस्जिद मस्जिद, मस्जिद का जार मजरूर, चार मजरूर, नाम यस 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 नामदार यस यस इसरा बिल्कुल, कि इला इज द एंड जार, प्रपोजिशन। यस एंड मजरूर, जी तो एक्चुअली मजरूर इज द पोजिशन, द नेम ऑफ द पोजिशन, है ना, दैट पोजिशन इज एक्चुअली जेर, है ना। सर, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता सिर्फ नाम, कि देर इज अ नेम फॉर द पेश कंडीशन ऑल्सो एंड देर इज अ नेम फॉर द जबर कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। जो पेश कंडीशन होती है ना, लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ किताबुन, है ना, किताबुन, अब इसके ऊपर दो पेश हैं, है ना, जी सर, और इसी तरीके से आएगा इसकी जो जबर वाली फॉर्म होगी वो होगी किताबन, है ना, किताबन लिखते हैं हम ऐसे, हैं सॉरी किताबन हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी आई थिंक दिस इज जबर, हाँ किताबन, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी तीसरी फॉर्म है, जो अभी हमने पढ़ी, जो आप लोगों ने मुझे बताई, वो मजरूर है पोजीशन, वो है किताबिन, ठीक है ना। तो किताबुन, किताबन, किताबिन, इसी तरीके से सारे होंगे, कॉलमुन, कॉलमन, कॉलमिन, है ना, मकतबुन, मकतबन, मकतबिन, वलदुन, वलदन, वलदिन, और आप उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें अल लगा दें तो अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, अल वलदु, अल वलदा, अल, वो तो कॉमन और प्रॉपर का मसला है, वो तो कोई टेंशन नहीं है, है ना। तो आपको पता है कि अरबिक के अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म होती है दैट इज किताबुन, है ना, वो आखिर में दो पेश इज द ओरिजिनल फॉर्म। सब कोई कंडीशन आती है यस तो दो जबर आ जाते हैं, कोई कंडीशन आती है तो दो जेर आ जाते हैं, है ना। तो मुझे आप लोगों को जी बता मुझे आप लोगों को बताना सिर्फ ये है कि इन तीनों कंडीशंस के नाम क्या क्या है। ये जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, ओरिजिनल कंडीशन है जो कि दो पेश के साथ है, या एक पेश हो या दो पेश हो, पेश कंडीशन जो होती है, इफ वेदर इट्स टू पेश और वेदर इट्स वन पेश, वो जो पेश कंडीशन है दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मरफू पोजीशन। ठीक है, और ये ओरिजिनल होती है मरफू। मरफू पोजीशन, व्हेन आई से मरफू समथिंग मरफू, आप समझ जाइएगा कि इसके ऊपर एक पेश या दो पेश आएंगे, द पेश कंडीशन इज कॉल्ड मरफू कंडीशन, ठीक है। और द जबर कंडीशन इज कॉल्ड मंसूब कंडीशन, सौत से है मंसूब, और सर, जेर इसमें का, किताब आ भी होगा और किताब बन भी होगा। हाँ ना देखिए वो तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी ये राइट नाउ कॉमन नाउन लिख दिया मैंने आपके सामने, मैं इसको प्रॉपर बना दूं मेरी मर्जी है, और प्रॉपर बनाने से अल लगा देते हैं, है ना, तो अल लगाने की वजह से आखिर में एक पेश आता है या एक जबर आता है या एक जेर आती है, हमें उससे टेंशन नहीं है। देखिए कॉमन और प्रॉपर तो हो सकता है ना, लेट्स से किताबुन इज कॉमन, अब उसमें आपने अल लगा दिया तो वो अल किताबु हो जाएगा, नॉर्मली तो एक पेश या दो पेश दोनों में से कोई ये कंडीशन तो होगी ना भाई, तो द पेश जी कंडीशन विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज मरफू कंडीशन, ठीक है, सर, एंड द जबर कंडीशन विल ऑलवेज विल कॉल इट मंसूब कंडीशन, सही है। और जो जी जो जेर कंडीशन है वो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड मजरूर कंडीशन, ठीक है। बल्कि इसमें एक छोटा सा सॉन्ग भी है, पता है वो सॉन्ग है, व्हेन आई से दुन इट्स मरफू, व्हेन आई से दन इट्स मंसूब, व्हेन आई से दिन इट्स मजरूर, इस तरह ना एक बहुत अच्छे टीचर है, बाकायदा वो पूरा सॉन्ग लोगों से बोलते हैं गाने के लिए, कि व्हेन आई से दुन इट्स मरफू, व्हेन आई से दन इट्स जी मंसूब, व्हेन आई से जी दिन इट्स मजरूर, ठीक है। तो दुन दुन दन दन दिन दिन,
या बुन बुन बन बन बिन बिन, ठीक है ना, डिपेंड। तो बुन बुन इज द मरफू पोजिशन, बन बन इज द मनसूब पोजिशन, एंड यस बिन बिन इज द मजरूर। सही है ना, सर। आप लोगों ने सिर्फ इन तीनों को पक्का याद करना है। जैसे आप लोगों को मजरूर याद है, वैसे ही आप मनसूब भी याद करें और मरफू भी अपने जहन में पक्का कर लें, बस। ठीक है, और अब मैं आपको बुक पे लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह, जो बुक मैंने आपसे शेयर की है, और उस बुक के पेज नंबर 36 to 50 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारे पास 2 दिन है, वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि ये 2 दिन है वैसे भी हमारे पास, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम मदीना अरेबिक से हम अपना ये जरा वर्बल सेंटेंस वाला मामला खत्म करके इसको फिनिश करें, ताकि फिर हम लैंग्वेज पे आए तो हमें कोई टेंशन ना हो। ठीक है, हाँ सर, ये मैंने होमवर्क दोबारा बताइएगा, आपने हमें हमारी क्लास में तो नहीं ये बताया। किसी क्लास में नहीं बताया, इवन जो भी आप लोगों से अच्छा पिछली क्लास है उसमें भी नहीं बताया। प्लीज वेट, आप बेफिक्र रहे हैं, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे शेयर किया है, सबसे शेयर कर लिया है, ओके सर, हाँ वो किया और आपने। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे शेयर किया है, नंबर 1। और किसी को नहीं बताया था ये, मैंने अभी ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोगों से पहले वालों को बताया था सिर्फ, यानी कि आप लोगों से पहले वाले तो अभी साथ ही है ना, उनसे जो पहले वाले हैं सिर्फ उनको मैंने ये होमवर्क बताया हुआ है, और मैंने किसी को होमवर्क बताया नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आप लोगों के साथ मिल के इस बुक को पढ़ा जाए, आप लोगों को खुद लगेगा कि वाकई इट्स अ सुपर वर्क प्रैक्टिस, बहुत ही जबरदस्त वर्क प्रैक्टिस है इसकी। आए इसको पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हु विल रीड, मन यकरा, That I can read. जी तौसीफा, सर। ठीक है, तौसीफा विल रीड, ठीक है, तौसीफा। और अच्छा, हमें 2 चाहिए, तो 1 इज सर मैं रीड तौसीफा, करती हूँ इसरा। यस यस गुड, आई ऑल्सो वॉन्टेड के तौसीफा इन इसरा, वी बोथ विल रीड इंशाल्लाह, ठीक है, यू बोथ विल रीड इंशाल्लाह। लेसन नंबर 4 है, ठीक है, और एक मिनट, ये देखें बुक का, आई थिंक नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखें, ये पेज नंबर 36 है बुक का, सही है जी सर, जी सर, जी। आइए अब पढ़ते हैं जी, यूसुफ, तौसीफा, यू आर यूसुफ एंड इब्राहिम जी सर, इज इसरा, ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अहलन वसहलन वमरहबन बिका। पढ़े पढ़े, अभी पढ़े, खत्म नहीं हुआ सॉरी सेंटेंस। सॉरी। अहलन वसहलन वमरहबन बिका या खाली, कैफ हालुका, لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ ذهبت أمك؟ إلى نعم، أمك، ذهبت إلى أمك، أمك. أي، أوكي. وأين أمك؟ देखिए आईना इज नॉट द वर्ड दैट चेंजेस द वॉवल, है ना, आईना तो क्वेश्चन वर्ड है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, तो ठीक है आईना, तो आईना उम्मू का, उम्मुन से उम्मू का, जी सर। ठीक है ذهبت जी। إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ ما معنى اخواتو का، Your your brother, brothers. brothers, اخ اخون इज सिंगुलर, Brothers. अखुन की जो प्लूरल है वो है इखवतुन, यस, योर जी ब्रदर्स, सर। माशाल्लाह जी, इब्राहिम। ذهبوا إلى الجامعة. अच्छा एक मिनट रुक जाएं, अभी हम लोग बहुत तेज जा रहे हैं जी। रेस्ट ऑफ यू, आर यू गेटिंग ऑल, एवरीबडी, सबको समझ में आ रहा जी है? जी सर, यस सर, यस यस सर, एहसन भाई, अली भाई, यस सब सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई जी, गो अहेड, यल्ला। वअइना इख्वातुका, नहीं इख नहीं, अख्वातुका, आ खोबा, अख्वातुका, आ देखिए अख नहीं, यू नो, यस सर, आ खो, अखवातुका, ये जी देखिए, सर, हाँ ये डिफरेंस है अखवातुका, बहनों में और भाई में ना, जी इखवतुन सर, ब्रदर्स हो हाँ, गए, अखवात सिस्टर्स हो गई अखवात, जी सर, ठीक है, जी। वो ठीक आई ना अखवातु का, है। ذهبنا إلى المدرسة. माशाल्लाह देखें ये सारे प्रैक्टिस हो रही है, देख रहे हैं आप जी सर, जी ذهبنا जी إلى المدرسة. أما أما इट्स नॉट अम्मा, इट्स أما अमा, हाँ, أما ذهبت إلى المدرسة تل يوم. अल यौमा, بلى
एक मिनट रुक जाए, पहले अल्लाह सुनिए मेरा, मींस व्हाई, एक सेकंड रुके, पहले लास्ट सेंटेंस है, अमा ज़हबता इलल मदरसतिल यौमा, अमा, अमा ज़हब हाँ हमा अमा, असल में देखें मा ज़हबता, याद है आप लोगों को हमने जो पढ़ी थी मा यस सर ज़हबता जी यू, सर हाँ तो ये असल में हाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, अमा ज़हबता, डिड नॉट यू गो, डिड नॉट, ठीक है हाँ है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी पहले नेगेटिव, अल फेरुल माजी अल मनफी, है ना, कि मा ज़हबता जी यू सर यू डिड नॉट गो, और क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया कि हल है और आ, दोनों क्वेश्चन वर्ड एक ही हैं, अज़हबता या हल ज़हबता एक ही चीज है ना, तो इन्होंने क्या किया, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर दिया, अमा ज़हबता इलल मदरसतिल यौमा, بلى ذهبت ورجعت अच्छा بعد अल, الحصة الأولى एक मिनट पहले بولیے, अल पहले بولیے यौमुन, بولیے व्हाट يومٌ विल बी द मीनिंग ऑफ यौमुन, today अडे अडे अडे, प्लीज प्लीज अडे रियलाइज, ठीक है, yes मैंने उसमें, अडे मैंने उसमें लगा दिया अल, अल यौमु क्या मतलब होगा, टुडे द डे, द टुडे डे, ठीक है, द डे, अब देखिए अल यौमु इज द मीनिंग ऑफ अल यौमु इज द डे, अब इसके अंदर एक और स्पेशलिटी आती है कि जब मैं अल यौमु पे मीम पे जबर लगा दूं, अल यौमा, अच्छा तो ये इसका टुडे मतलब, होगा इसका मतलब है टुडे, ठीक है, अल यौमा अकमल तु लकुम दीनुकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, है ना जी, अच्छा हाँ एक सेकंड आप लोग जरा पढ़े, एक सेकंड बस, क्या हुआ कहीं कहीं नहीं गए पढ़े हैं, हैं आप लोग क्यों कह रहे थे आप लोग पढ़े हैं ठीक है आप फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है इसको दोबारा पढ़ लेते हैं बला ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى जी बला ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى, जी एक तो ذهب يذهب हो रहा है और दूसरा رجع يرجع चल रहा है, رجع يرجع अच्छा رجعت من باب ضرب يضرب, ठीक है ना, रजा यरजीउ इज फ्रॉम द डोर ऑफ जौद, ठीक है ना, जौद फैमिली से है ये, तो रजा यरजीउ टू रिटर्न बैक, टू कम बैक, ठीक है, एंड बला का मतलब है ऑफ कोर्स, यस बला बेशक ज़हबतु व रजातु बाद अल, नहीं बेशक नहीं है, अच्छा बेशक इज इन ना, ठीक है ठीक है, तो बला का मतलब है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ठीक है ठीक है ना, हिस्से तो तुला द फर्स्ट पीरियड हिस्सतिल उला द फर्स्ट पीरियड, माशाल्लाह यस, दस द फर्स्ट ब्लॉक, बिल्कुल जी, पढ़िए आगे यूसुफ, लिमाज़ा रजअता रजعت لأنني مريض हाँ अच्छा देखिए एक एक वर्ड आ गया, लिअन्ना, مريض लिअन्ना का मतलब होता है बिकॉज, ठीक है, और लिअन्ना द नॉर्मल वर्ड इज, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ली अन्ना, ये असल में ली अन्ना होता है, ली अन्ना, इसके अंदर आपने नून या जेन नी लगा दिया अपने लिए, और ली अन्ननी बिकॉज आए, ठीक है, इसका जो लेसन नंबर वन है ना, इस बुक का लेसन नंबर वन, वो जरूर पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है, मैं इंशाल्लाह वो बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये तो बुक नंबर थ्री तो है ही जबरदस्त, बहरहाल रजातु ली अन्ननी मरीदुन, जी यूसुफ, لا بأس أذهبت إلى الطبيب इला तबीबिन, إلى طبيب ला طبيب बासा मतलब क्या है, ला बासा, I don't know sir ला ये बासा दुआ भी देखिए, है ना لا بأس कहाँ طهور हो तकलीफ जी, ला बासा तहूर इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह नो वरीज, सुन कहते हैं तकलीफ को, सफरिंग को, तो ला बास, नो सफरिंग, नो वरीज, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ये है ला बासा, ठीक Did you है, go to doctor? हाँ, did you go to the तो doctor? नमाज़ रजा तो का क्या था? लिमाजा रजाता, देखिए रजा यरजीउ टू कम बैक, Why तो वाई डिड यू did you कम, come back? वाई डिड यू कम बैक, ठीक है जी, आगे चलते हैं, नाम नाम ذهبت नाम ज़हबतु, हाँ यानी
आई वेंट, ठीक है ना, यस आई आई वेंट। वेंट टू द डॉक्टर. अरे माशाल्लाह ये तो खत्म भी हो गया, ठीक है थोड़ा सा देखें। तो अब ये इसकी एक्सरसाइज, ये मैं खुद जानबूझ के आपको नहीं करवा रहा। एक हाँ एक चीज ये समझ लें जरा, ये वाला जरा, ये कह रहे एक्सरसाइज हैं हमें होमवर्क में करनी है. ये वाली पहले कर लेते हैं। देखें ये कह रहे हैं भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ ज़हाबा, ठीक है। तो देखें अब काम करते हैं, हमारे माशाल्लाह आज बहुत सारे लोग हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, मुझे सोर्स वाले मुझे बहुत मारेंगे तमस्तफुरुल्लाह। अच्छा देखें अब अपने नंबर याद कर लें प्लीज, ठीक है, ताकि भाई पढ़ा नहीं हो, सही है भाई। नंबर वन, नंबर वन इज इसरा, नंबर टू इज नौरीन, नंबर थ्री इज अली भाई, नंबर फोर इज डॉक्टर सोबिया, नंबर फाइव इज एहसन एंड नंबर सिक्स इज तौसीफा, ठीक है। जी सर, अब आपने सब अपने नंबर याद रखना है, और अगर किसी और ने जवाब दिया तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, सबको खाना खिलाएगा वो, ठीक है. ऐसे इमेजिनरी। वैसे हम लोग, व्हाट्सएप हम लोग वैसे इतने दूर दूर हैं, कैसे पे खिलाएंगे। खाना, जी ठीक है जी, व्हाट्सएप पे खाएंगे, जी व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप खिलाएंगे. पे, बस व्हाट्सएप पे कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जी। हाँ नंबर वन स्टार्ट करते हैं, आपने करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ ज़हाबा। ज़हाबा की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, नंबर वन प्लीज, अल औलादु बताइए। अल-औलादु ज़हबू माशाल्लाह, अल अल-ज़हबू. औलादु ज़हबू इल الملعبي, ملعب इज द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अल औलादु ज़हबू इल الملعب, ये देख रहे हैं आप लोग जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं ये, तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेंटेंसेस, प्लीज रिमेम्बर। जी 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 नंबर टू प्लीज, अल मुदर्रिसु, जी नंबर टू अकाली बात है. सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, अत्तालिबात, जी अत्तालिबातु, हु इज नंबर टू। मी अल्ताली बात हूँ. जहाँ तक था यू गो अल्ताली नंबर टू बारी किसकी है, नरीन, बात तो सर मेरी है नरीन आप ये बताइए, अब जी. तुम्हारी बात जो आएंगी वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। पहली बात सेकंड पर्सन, थर्ड नहीं भाई थर्ड 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 पर्सन है ना, थर्ड पहली थर्ड बात पर्सन, अब बताएं आराम से, जी. अब बताएं, थर्ड पर्सन प्लूरल, पहली बात हाँ क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, नहीं आ रहा समझ में. आएगा आप बताएंगी, वरना हम पूरी रात बैठे रहेंगे, ऐसे ही बता रहा हूं। सर ये एक दफा ओके मुझे एक फिर मिनट एक ब्रेन मिनट, में नहीं नहीं दो हाँ और एक बात डालने दो. बता, ये कौन सी ठीक वाली है, फॉर्म? ज़हाबा की फॉर्म, ज़हाबा की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, हम ये कर रहे हैं ना। आप जरा ज़हाबा वर्ब पढ़िए शुरू से, कैसे होता है ज़हाबा, ज़हाबा पढ़िए जहाबा, जहाबू, आगे जहाबत, आगे जहाबता, आगे, जहाब, ये जहाबना. जी वो खत्म काफी है, ज़हाबना आ गया, ज़हाबना किस में होता है, हुन्ना होता है ना, जी साहब, तो जी. फेमिनिन प्लूरल में यही ज़हाबना समझ आएगा। नहीं आ रही थी कौन सी वाली फॉर्म ढूंढनी. नहीं नहीं आपको देखें, आप ओके देखें ना, ओके प्लूरल है ना, तो अब तौली बात हो ज़हाबना जी। नंबर जी, थ्री, नंबर सारी थ्री बात है साहब जी, नंबर थ्री अल मुदर्रिसु, ना. ये भी जहाब ना ही होगी. गौर से देखिए, सिंगुलर है, प्लूरल है, डुअल है, क्या है, सही है, सिंगुलर है सिंगुलर सर. है, सिंगुलर में क्या आना चाहिए जहाबा. जी, अल मुदर्रिस ज़हाबा, अल-औलादु सिंपल जी। नंबर फोर, नंबर फोर तो बहुत आसान आ गया, कौन है ये नंबर फोर, कौन है, हाँ 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 ज़हब तू, सिंपल अना ज़हब तू भाई, एंड है ये, देखें ये किस्मत जी। नंबर फाइव उख प्लीज, नंबर फाइव कौन है, इधर उख्ती, मत बख, ये माशाल्लाह देख माशाल्लाह रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा का तो मुझे पता था, माशाल्लाह बता देगा। नंबर दोबारा नंबर सिक्स, बोले, देखिए उक्ति के साथ क्या है सर, जहाबत. उक्ति क्या है, उक्ति आपकी थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड थर्ड पर्सन, पर्सन है. देखिए वो जो आप अगर आप बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन है ना, ये तो आप उसकी अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज द थर्ड पर्सन, ठीक बिल्कुल. है ना, तो उक्ति ज़हाबत, सिंपल।
जी उसके बाद है नंबर सिक्स, ये भाई ये तो बहुत आसान आ गया, देखो तौसीफा तो बहुत आराम से कर लेंगे जी, बताइए तौसीफा बिल्कुल जी। आईना ज़हबता अंता माशाल्लाह माशाल्लाह, आईना धबता अंता, वेरी गुड। देखिए देखिए ये अच्छी एक्सरसाइज है माशाल्लाह, है ना, जी इसको इसको जरूर जी करें, जो आपने उन्हें वर्ड्स पढ़े हैं ना तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। अरे वेरी गुड। ओके इसकी ये एक्सप्लेन कर देंगे, आईना के साथ जहाँ तक कैसे अल्लाह के बंदे, आगे लफ्ज देखें एंड किस पे हो रहा है, अंता की वजह से। ठीक है बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा आप लोगों ने अपने ओके ओके नंबर जी सबको पक्के आ देना अपने भाई, मुझे ये मुझे लग रहा है, देखें इत्तेफाक जी है सर अल्लाह ताला करना ऐसा हुआ है, पूरे 6 पार्टिसिपेंट्स और 6 6 जुमले आ रहे हैं, आप देखेंगे तो है ना। फसा दिया अब दे है ओके अब ये कह रहे हैं भाई करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, देर इज अ मिस्टेक इन द सेंटेंस, यू हैव टू करेक्ट इट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, प्लीज नंबर वन रीड योर सेंटेंस फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट इट। अذهبت إلى المستشفى يا محمد. This should be ذهبت. أذهب. It's a question. So ذهبت. So आ तो आएगा ना क्योंकि it's a question. बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आगे तो टेंशन ही नहीं है। ओके ये आपसे बोल रहे हैं कहाँ गलती है, खास तौर पे वर्ब्स में गलती की हुई है उन्होंने, देखें आप। जी, वर पे ही देख रही हूँ. डिड यू गो टू द हॉस्पिटल? जी जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं है सुना, कम ऑन। To, go. चले मैं रॉन्गली पढ़ता हूं, आप समझिएगा। डिड आई गो टू द हॉस्पिटल ओ ओ मोहम्मद? ओके ठीक है. तो अजहब तू तो नहीं हो सकता जहपता होगा ना. जी, ज़हबतू गलत है इसके अंदर, ठीक है अज़हबता। सॉरी. जब आप जी. मोहम्मद से कह रही हैं राइट तो मोहम्मद से तो ज़हबता कहेंगी ना आप, राइट राइट. ठीक है जी. ठीक है. अज़हबता जी। इला अल-मुस्तशफ़ा या बिल्कुल मुहम्मद. नंबर टू, नंबर टू जल्दी, नंबर टू कौन है जी मैं नौरीन. जी, प्लीज। आमिना और फातिमा तो वज़ैनबू राजू मिनल जामिया. इसका होगा रजबना और जाना. यार आप उनको रजम ना कर दें कहीं, रजा अन्ना सॉरी रजा रजाहना. सॉरी रजाहना अन्ना जाना. रजा अन्ना। देखिए जी आपके आपके हिस्से में ना, रजाना. आपके हिस्से में हुन्ना आ रहा है मसला, ये हाँ इसमें गलती मेरी नहीं है, देखें पता आप ये दूसरी मरतबा हुन्ना आ गया नहीं. ये, सॉरी है, ठीक है भाई ओके। नंबर थ्री पे चलते हैं, नंबर थ्री कौन है भाई जी? जी सर, जुमलाई जहाबा इलल मक्कती। इसमें गलती क्या है सर, इलल यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन के साथ अलिफ और लाम आएगा। मेरे वर्ब चेक करें, वर्ब में गलती है, ये बताइए जुमलाई का मतलब क्या होता है? जुमलाई का मतलब नहीं पता जमीलुन का मतलब पता है, जमीलुन है। मेट मेट, तो उसका प्लूरल है जुमलाऊ, और जब आप कहेंगे जुमलाई मतलब माय मेट्स, माय मेट्स अब माय मेट्स जहब जहाबा होना चाहिए क्या है? सारे ना फीमेल हैं आपके मेट्स? तो अस्तगफुरुल्लाह यार, यार अली भाई ये गलत बात है अली भाई, देखें अली भाई अपने सारे अच्छा सारे मेट्स अपने ना मुजक्कर कर लें जल्दी से, इससे पहले कि पकड़ो आपकी। सर अपना आंसर नहीं जी आता, हमेशा दूसरे का आंसर आता है. जी बिल्कुल बिल्कुल, इट हैपेंस जी। जुमलाई माय मेट्स, भाई आपके जो माय मेट्स है ना वो सारे मर्द हैं, तो जहबना तो औरतों की जहब होता, तू, जहब तू, नहीं जहब तो, जहब तो आई है, जहबा जहबा जहबू, ठीक है ना, तो हेलो जहबू जुमलाई जह हेलो. जी 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 बोले बोले जी मैं आती हूँ 5 मिनट दें मुझे सिर्फ. मैं आती हूँ 5 मिनट सिर्फ. जी जल्दी से। जी सर.
नंबर फोर। अना रजअतु मिन अर-रियाद अम्स। माशाल्लाह, अना रजअतु, बिल्कुल अना रजअता गलत है यहाँ पे। मरियम व बनातुहा ज़हबत इला जुद्दा। जी बनातुहा ज़हबना इला जुद्दा। माशाल्लाह, ज़हबना इला जुद्दा। उम्मी काला अना मरीज़ुन, उम्मी कालत अना ठीक है आगे। मरीदतुन। माशाल्लाह, सबसे ज्यादा ट्रिकी जुमला था ये, अल्लाह आपको जाया कर दें, बिल्कुल सही बनाया आपने। अना मरीज़तुन, आमीन। अम्मी कहेंगी तो मरीज़तुन कहेंगी ना, अब्बू कहेंगे तो मरीज़ुन कहेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, हमारा टाइम भी हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मतलब पूरा हो गया। अब मैं वही चाहूंगा कि आप लोग पहले जरा इसको हजम कर लें थोड़ा सा, जी सर। इसको इसको दोबारा पढ़ लें एक मरतबा, और सिर्फ ये वाला लेसन जो है ना आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है और सर। इसके पॉइंट्स को रिमेम्बर कर लीजिएगा। अगला लेसन मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। यानी कि ठीक थर्टी है सिक्स टू फोर्टी फिर सर, आपने जो पूरे पेजेस कहे 36 से 50 तक कहा हुआ। आप एक काम करें, 36 to 41 कर लें बस, लेसन नंबर फाइव जी ही करें सर, आप। काफी हो गया था। ठीक है जी। ठीक है, 41 तक कर लें बस, उसके बाद नहीं करिएगा। तो सॉल्व करनी सर है सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक करें, ये वाली कर लें जो अभी हमने की ना, एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4, बस ये कर लें, क्योंकि जी सर। ठीक ये है दोनों बहुत काम आएंगी सर, आपके। आपको रिटर्न में भेजें हम ये रिटर्न में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्नैपशॉट लेके। ठीक मतलब है, 3 और 4 कर सॉल्व करनी है और बाकी सब रीड करना है। बाकी रीड कर लें, उसको याद कर लें, और ठीक देखें है ये जो है ना, ये देखें, ये देखें ये किस तरीके से लिअन्ना की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। लर्न द यूज ऑफ लिअन्ना। लिअन्ना का मतलब होता है बिकॉज, तो थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिएगा। तो और बाकी ये कि अगर आपको कोई चीज़ में समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट्स टू रिमेम्बर जरूर पढ़िएगा, जी सर। ठीक है। ठीक बस है सिर्फ सर, ये कर लें इंशाल्लाह कल के लिए, सिर्फ ये कर जय लें कल इंशाल्लाह। लेसन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। बारक ठीक अल्लाह है, फीकुम फिद जज़ाकअल्लाह। दुनिया वल आखिरह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि।